कैसी है, उद्योगों के लिए सुविधाएं कैसी है, उद्योगों का माहौल कैसा है, उसमें हम 14वें स्थान पर थे, आज नॉर्थ इंडिया में नंबर वन और पूरे देश में तीसरे स्थान पर आने वाले हैं। इसे स्किल डेवलपमेंट की बात करें, क्योंकि इसकी हमारे नौजवानों को, हमारी माताओं बहनों को जो रोजगार कब मिलेगा, जब उनके हाथों में दक्षता होगी, जब वो किसी ना किसी चीज में, किसी ना किसी कोर्स में दक्ष होंगे। स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी मेरे पास है। मित्रों, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हम 13वें स्थान पर थे, आज हिंदुस्तान में नंबर वन पर है स्किल डेवलपमेंट के अंदर। और इसकी पहली 250 करोड़ रुपए की लागत से स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी दो दौरों में बनाने का काम किया हरियाणा की सरकार ने, किया आपके द्वारा बनाई हुई सरकार। तो मित्रों, अनेकों काम अगर गिनवाऊंगा तो कहते हैं ना, भागवत गिठानी पड़ेगी, 7 दिन चाहिए। इतने काम माननीय मनोहर मोदी जी की सरकार ने किए। ये मेरी माता है बहने, इनको कोई मेरे गुप्ता जी आप भी तो कर देते, कोई रोड का दिखना नहीं बन रही है, मैं भी इसका भी कर दूंगा। लेकिन गुप्ता जी कह रहे हैं रोड फरीदाबाद से बाईपास पर रोड जा रही है, खराब है। मैं क्या साथ साथ एलएनटी के बड़े बड़े काम करते हुए खड्डे भी दिख रहे होंगे, बोर्ड भी दिख रहे होंगे, जो काम चल रहा है 52 करोड़ रुपए की लागत से ऐसी रोड अगले 2 से 2.5 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर बनकर तैयार हो जाएगी, जिसे लोग देखने आएंगे, ना पानी भरेगा, ना बिजली के तार होंगे, ना खंभे होंगे, इस तरीके की रोड बनने जा रही है। तो मैं इन माताओं बहनों को, जब ये चूल्हे पर रोटी बनाती थी और आंखों के अंदर पानी निकलता था और अन्य को बीमारियां हो जाती थी, उस मर्म को समझने का काम भी किया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। 9 करोड़ गैस चूल्हे, घर घर गैस चूल्हे देने का काम किया नरेंद्र मोदी सरकार ने। ऐसे अनेकों काम, आज देखा अमेरिका के अंदर, पूरे देश के, पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान का दंगा बज रहा है। जब अमेरिका का राष्ट्रपति प्रोटोकॉल तोड़कर वहां का आर्मी और एयरफोर्स का बैंड अपने आप को कभी किसी राष्ट्राध्यक्ष के लिए नहीं बजाते, माननीय नरेंद्र मोदी के लिए बजा कर आगे आगे चलने का स्वागत देख रहा है कि आज भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए हैं। अमेरिका ने सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए कि उनका स्वागत करने के लिए उनका किस तरीके से अभिनंदन किया जाए, किस बेटर से बेटर तरीके से वो अपनाने का काम आज अमेरिका कर रहा है। तो अनेकों बातें हैं, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि चुनावी रणनीति बन चुकी है, चुनावी बिगुल बज चुका है। अभी 1 महीने का दिन है, अगली 21 तारीख को वोट पड़ेंगे, एक भी कार्यकर्ता पे छुट्टी ना ले, कोई घर ना बैठे, और ये संकल्प ले कि मेरा